हेलो दोस्तों। तो आज हमारे गांव में बहुत सुबह रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, तो जिसकी वजह से आज के जो पहाड़ है ना, पहाड़ों पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। तो ये देखो, एक एक पहाड़ ये है, और यदि आप इधर देखोगे ना तो एक पहाड़ ये आपको सामने दिख रहा है। तो इस आज बहुत ज़्यादा रात में बारिश हुआ था ना, जिसकी वजह से ये सब देखो, जो छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में ये जो नाले थे ना, ये सब देखो, इसमें सब पानी आ गया। तो ये जो पानी है ना, ये सब इन पहाड़ों से रिस रिस के ये सब पानी आ रहा है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, देखो बहुत अच्छा व्यूज लग रहा है। मैं आपको अभी और सारे नज़ारे दिखाता हूँ, दृश्य दिखाता हूँ। ये सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30, और ये जो लोकेशन है, ये मेरे गाँव से 2 किलोमीटर लगभग दूर है। ये देख रहे हो ना, ये जंगल है। ये थोड़ा सा इसमें पेड़ पौधे थोड़ा ज़्यादा ही हैं, तो इसमें हम लोग को सावधान रहना पड़ेगा। और चूंकि ये बारिश का सीजन है ना, तो और ये देखो, यही बस यही है, थोड़ा सा इसमें कटीले पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ये देखो छोटा सा कीड़ा है जंगल में, मुझे दिख गया था तो मैं इसकी वीडियो ले रहा हूँ। ये देख रहे हो ना, ये भी पानी जो है इधर पहाड़ से रिसते हुए इधर पूरा पानी आ रहा है। और ये पानी जो है ना, ऐसे ऐसे होते हुए छोटा छोटा, मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ। एक छोटा सा उधर बांध है, तो बांध बना हुआ था, उसको काफ़ी साल हो गए हैं, वो टूट चुका है, तो जिससे सारा पानी आगे निकल जाता है। तो आगे भी जाके ना, तो आप मेरे इस गाँव से, मतलब यहाँ से लगभग आप मान लो 1.5 2 किलोमीटर, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बांध है, तो ये सारा जो पानी है ना, उसी जगह जाके इकट्ठा हो जाता है। ये देखो, हम लोग चलते चलते यहाँ से 200 मीटर अभी आगे आ चुके हैं। तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। यहाँ पे देखो, छोटे छोटे नाले बने हुए हैं, किसी नालों से पूरा पानी आगे जा रहा है। अब बारिश हो चुका है, तो घास वगैरह आ जाएंगे ना ज़मीन पे, तो अब इसके बाद इधर कुछ ही दिनों में इधर लोग अपने पशुओं को छोड़ देंगे जंगल में घास करने खाने के लिए इनको। ये देख रहे हो, ये जो जीव है ना, ये छोटा सा, ये बरसात में ही निकलता है। जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाएगी ना कुछ दिन में, ये देखना, ये जो जीव है ये मर जाता है। तो हम लोग, ये लाल कलर का होता है, बहुत ही देखने में सुंदर खूबसूरत लगता है। ये जंगल में है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो नाला है ना, ये पूरा पानी जो बहा के आ रहा था, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपको बांध दिख रहा होगा, अभी वहीं उसी के पास चलते हैं। देखो पूरा पानी भर गया है, देख रहे हो। हाँ, यही वो बांध है छोटा सा, जो कि भारी बारिश की वजह से ये कई साल पहले ही टूट गया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से पूरा ये पूरा पानी आ रहा है ना, यहाँ उधर से बंधे से होते हुए पूरा पानी निकल जाएगा। एक गांव है यहाँ से, तो दूर है, तो वहीं पे जाके उस बंधे में सारा पानी इकट्ठा होता है। ये देखो बहुत अच्छा नज़ारा है, यहाँ से सारा पानी होते हुए इधर सारा पानी होते हुए चला जाएगा। क्योंकि सुबह हो चुका है, तो मेरे बड़े पापा यहाँ पे देखो खेतों में काम कर रहे हैं, तो सुबह सोच रहे हैं खेतों में थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए, फिर इसके बाद धूप निकल जाएगी तो काम करने लायक नहीं रहेगा, धूप तेज रहती है। आप ये जो देख रहे हो ना, ये छोटा सा बांध है पूरा धर तक, देखो ये छोटा सा बांध है। इस ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ का पानी इस बांध में इकट्ठा होता है। तो इस रात में बहुत बारिश हुआ था ना, तो पूरा बहुत भी बांध में भी काफ़ी पानी आ गया, काफ़ी पानी उस भर गया है बांध में। तो इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देखो यहाँ पे भी पहाड़ों पे भी लोग कुछ रहते हैं, और इधर भी कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने ग्लाइकेल नाम का एक दवाई लाया था अपने पासी के गांव से, तो ये घास खेतों में घास को जलाने के लिए छिड़काव किया जाएगा अभी इसका। अभी ये जो गैलन है ना, इसी में इसमें डाला जाएगा पानी के साथ मिक्स करके। अभी इसको हम लोग ग्लास में निकाल रहे हैं, ग्लास में निकाल के इसको मेजर करके नाप के इसको बाल्टी में डाल। इसको अच्छे से डिब्बे को पानी डाल के इसका धोइए, धो के इसको साफ कर रहे हैं, फिर इसका पानी जो है बाल्टी में डाल देंगे। इसमें पानी डालना है इस गलन में, अब इसको हम गिलास से नाप नाप के गैलन में डाल रहे हैं। ये अपना दवाई कर दवाई लबोटर,
इस गैलन को पीठ पे लेना है। तो ये मैं आपको बता रहा था सुबह जो बांध है ना, ये यही बांध है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है बारिश का, इधर जो सारा पहाड़ है ना, पहाड़ का पानी आ गया है। और ये देखो जो लोग हैं ना यहाँ पर रहते हैं कुछ लोग, ठीक है। और इधर देखो ये जो सामने आपको घर दिख रहा है, ये यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं। इधर देखो इतना पानी आ गया बारिश का, इसी पानी की वजह से ना हम लोग के आस पास का जो ग्राउंड लेवल है वो थोड़ा मेंटेन रहता है, मेंटेन आने में सहायक रहता है। इसके मैं आपको अपोजिट में दिखाता हूँ इस बांध के। देखो यहाँ से कितना दूर का आपको नज़ारा दिखेगा, देख रहे हो आप, देखो एकदम सामने एकदम सीध में पहाड़ ये, ठीक है। और इधर भी देखो पहाड़ है, ये देखो यही वाली वो पहाड़ है। मैं आपको इधर से अपने गाँव का भी व्यू दिखाता हूँ। देखो यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा है, ये जो हमारे बड़े पापा हैं ना, यही देखो, और घास मारने वाली दवा छिड़क रहे हैं जिससे घास जल जाएगी खेतों की। अभी बारिश आ गया ना तभी घास बहुत सारी खेतों में होगा, फिर उसके बाद धान रोपाई शुरू होने वाली है ना, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। इधर देखो आप इस तरह से कुछ है। मैंने आपको इधर देखो पहाड़ है, इधर बना है, इधर जंगल है, इस तरह। ये देखो हमारे बड़े पा यहाँ पे दवा छिड़क रहे हैं, ये देखो जो सामने घर दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ से ऐसा कुछ दिखता है। आप इधर सीधे चले जाओगे ना तो इधर जंगल में आप पहुँच जाओगे। ये देखो ये सामने यहाँ से संगल से ये देखो घर, और ये छाता छाता ये वाला, और वो सामने ईंट का भट्ठा, ठीक है। और गाय भैंस चल रही हैं, यहाँ से देखो पूरा ज़बरदस्त ग्रीनरी है। और ये अपना यहीं पे कुआं है। तो हम लोगों ने अभी गड्ढा खान के इसमें से लकड़ी इसमें गाड़ दिया है, तभी इसको अभी इसको मिट्टी इसमें घस गड्ढे में भर देंगे, भर के इसको थोड़ा सा जाम कर देंगे। इसके बाद इसमें कटीले तार लगा के इसको बाड़ा बना देंगे, बाड़ा कर देंगे। ये शाम का समय हो चुका है और सभी जानवर अपने घर की तरफ वापस गांव में जा रहे हैं। और ये दो बच्चे थे आए थे जामुन लेने, बिनने, तो जामुन लेके जा रहे हैं। तो ये इसको गड्ढा करके इसको अब इसको जाम कर रहे हैं मट्टी भर के। तो ये जो बच्चे आए हैं वो जामुन बीनने आए हैं, बीन के चले जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स कर दें।